हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, दिसंबर 2018 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए आपके हॉल टिकट और एडमिट कार्ड कब आएंगे, आपको किस तरीके से प्राप्त होंगे, उससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका जून 2018 टर्म एंड एग्जामिनेशंस का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में होगा, या फिर जिन्होंने यहाँ पे रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है उनके रिजल्ट्स अगर पेंडिंग में हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे रिजल्ट्स का चेक नाउ को क्लिक करके और अपने रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे टर्म एंड को सेलेक्ट करके अपने टर्म एंड के रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन को सेलेक्ट करके अपने रीवैल्यूएशन के रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं, ग्रेड कार्ड को चेक करने के लिए आप ग्रेड कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आपके टर्म एंड के रिजल्ट्स 2 नवंबर को अपडेट कर दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर किसी स्टूडेंट के एक दो सब्जेक्ट्स अभी तक पेंडिंग में थे, तो वो यहाँ पे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रीवैल्यूएशन के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 2 नवंबर को आपके रिजल्ट्स अपडेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, रिजल्ट्स के साथ साथ में आपके ग्रेड कार्ड भी 2 नवंबर को अपडेट कर दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, करंट ग्रेड कार्ड स्टेटस एज ऑन नवंबर 2, 2018। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके ग्रेड कार्ड में अभी तक नॉट कम्प्लीटेड शो कर रहा होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे स्टेटस में देख रहे हैं, कम्प्लीटेड, ऐसे ही किसी स्टूडेंट के नॉट कम्प्लीटेड शो हो रहे होंगे, तो मैं उसके लिए बताना चाहूँगा, इससे संबंधित एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर एक एक चीज़ मैंने क्लियरली समझाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं आपके हॉल टिकट्स के बारे में। फ्रेंड्स, उसके लिए आपने जिस तरीके से अपना यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया था, ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म फॉर टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर 2018 के लिंक को क्लिक करके, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में हैं, बट इग्नू की तरफ से यहाँ पे एक नोट दिया गया है, स्टूडेंट्स होस्ट टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2000 रिजल्ट्स आर नॉट येट डिक्लेयर्ड, दे नीड नॉट टू वेट फॉर रिजल्ट्स, दे आर एडवाइज टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2018 ऑन और बिफोर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म एज पर शेड्यूल अबव। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने जून 2018 में अपने टर्म एंड एग्जाम्स दिए थे, अगर उनके रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में हैं या फिर नहीं आए हैं, तो उनको दिसंबर 2018 के लिए अपने एग्जाम फॉर्म्स वैलेंटाइन फिलअप कर देने हैं। दोस्तों, इसी पेज में आप नीचे देख सकते हैं, आपके हॉल टिकट से संबंधित जानकारी दी गई है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, होल टिकट विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट वेल बिफोर 7 to 8 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टर्म एंड एग्जामिनेशंस। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम स्टार्ट होने से 7 से 8 दिन पहले इसी इग्नू की साइट पे आपको अपने होल टिकट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको वेल इन टाइम सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि इग्नू की तरफ से जो भी एक आईडी कार्ड आपके हर स्टूडेंट के लिए रहता है, वो आपको अपने एग्जाम्स में कैरी करना होगा। अगर गलती से आपका इग्नू का आईडी कार्ड कहीं पे मिस हो गया है या फिर कहीं गुम हो गया है, तो उसके लिए आप वेल इन टाइम अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट करके और अपना डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड बनवा लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टैक्ट द RC इन पर्सन एंड गेट द डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड फॉर अटेंडिंग एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गलती से अपना आई कार्ड लेके नहीं पहुँचेंगे, तो आपको एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए मना कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को वेल इन टाइम ढूंढ लें और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें। दोस्तों, इससे संबंधित जैसे ही कोई भी एक नया नोटिफिकेशन इग्नू की साइट पर आएगा, मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, इसी से संबंधित और वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एजुकेशनल टिप्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।